दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि साबिर भाई अभी आ चुके हैं और अब हम लोग साबिर भाई से जानेंगे ब्रायलर फार्मिंग में जो चीज़ें। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप अपने आप से ही बहुत कुछ जानकार हैं। अगर कोई आता है आपके पास तो उनसे ज़रूर राय लेना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ साबिर भाई आए थे और साबिर भाई हम उनसे मिलने के लिए आए थे। साबिर भाई नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बस आपका दुआ है सर। एक चीज़ साबिर भाई ये बताएं, थोड़ा सा अभी अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता दें कि अभी आपका काम क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। अभी तो हमारा फार्म का जो है मट्टी पटा है और उसके बाद में जो हमारा दुकान का काम चल रहा है जी, दाना, चूजा, दवा, ड्रिंकर, फीडर, सारी चीज के सप्लाई हमारी दुकान से हो रहा है जी। और जितने अपने इस इलाके में सराय बस्ती जिले में जितने फार्मर हैं जी, सब हमसे काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है सर जी जी। जो जो काम कर रहा है एक बार काम कर लेता है बाद में वो जुड़ जाता है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिल रहा है बिल्कुल। और हर चीज के बारे में जानकारी मिल रहा है जी, कोई भी चीज जैसे नए हैं जी और नहीं जानकारी, खुद में जाके फार्म में बता देता हूँ कि इसको ऐसे करना ऐसे करना, तो उसमें उसका लॉस नहीं हो रहा है बिल्कुल। और सबसे जरूरी दोस्तों यही है कि आपको ये होना चाहिए कि भाई आपको गाइड करने वाला कोई बंदा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर जगह पे मिसगाइडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही है जी। तो इसलिए साबिर भाई से हम लोग जानेंगे। अच्छा साबिर भाई, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे जी, बताइए कि जैसे जो ब्रायलर अभी के टाइम पे जो डाला जा रहा है, अगले टाइम पे जब वो सेल के लिए तैयार होगा उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगा? सर जैसे जो अभी डाल रहे हैं जी, दो चार दिन और वेट कर दे जी, ठीक है जी, होल्ड कर दे, दो चार दिन के बाद में जो डालेंगे जी, वो अच्छा रेट आएगा जी, और उसका तैयारी भी आएगा। इस समय जो मौसम है वो भी नॉर्मल हो गया है जी, जो तपन है वो भी कम हो गया है बिल्कुल। और इसके बाद जो अभी बच्चा पढ़ रहे हैं ब्रायलर का, वो सावन में तैयार हो जाएंगे बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा दिक्कत आएगा। तो अभी एक हफ्ते रुक जाएं, एक हफ्ते के बाद में डालें जी, तो वहाँ बहुत त्योहार है जी, 12 रबीउल है, 40वां है, 11वीं है, शिवरात है, बहुत से त्योहार है, उसमें रेट रहेगा, अच्छा रेट रहेगा, रेट रहेगा आगे आने वाले समय पे, रेट रहना अच्छा रेट, और तैयारी भी कम आएगा जी। और चूजा का जो कास्ट है वो भी घट जाएगा, इस समय चूजा का भी जो रेट है वो भी कम हो गया है सर बिल्कुल। अभी समीर भाई आज के डेट में लगभग चूजे का क्या रेट चल रहा है? चूजा का अभी जो मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, मुझे ये हाँ नियर अबाउट 28-29-30 के आसपास में लमसम है। हाँ तो ये मान के चले कि अगर आप अच्छी फीड खिला रहे हैं तो तैयारी आपकी जो है मान के चलिए 80 के 82-85 ऐसे आ जाएगी। 80 जैसे जो अच्छे फार्मर है, जानकार है, वो 80 में उनका तैयारी आ जाएगा बिल्कुल। जो थोड़ा दिक्कत हो गया कोई बीच में तो उनका 85 आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुर्गा बिकेगा 100 के प्लस, 100 के प्लस बिकेगा। एक्चुअली अभी हुआ क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास माल ही नहीं है, माल नहीं, माल का भी जो रेट है ना, परसों का मैं रेट बता रहा हूँ जी, 119 का रेट था बलरामपुर का जी, 119 का जी, जो 2 किलो का मुर्गा था उसको यानी 120 प्लस रहा बिल्कुल। हाँ तो अभी साबिर भाई जैसे आज के डेट में जी जिसका मुर्गा बड़ा हो गया है और ठंडक का मौसम भी चालू हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में किसानों को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो जो लीटर होता है भूसी उसको मेंटेनेंस करें जी, नहीं मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें हो जाएगा CID आ जाएगा जी, और CID से उनका जो वजन है हाँ वो प्रभावित होगा, हाँ वो कम हो जाएगा जी, फीड बच्चा खाएगा और पतला बीट भी करेगा। तो इससे सबसे बेहतर यह इलाज है कि लीटर जो भूसी है उसको अच्छे से मैनेज करें, और यानी फार्म के बाहर बाहर चूना का छिड़काव करें हाँ, और दरवाजे पे चूना का छिड़काव करें, और कोई फार्मर को अपने फार्म में ना आने दे, आने ना दे, हाँ बाहर उससे मुलाकात करें, अंदर ना आने दे। इससे क्या होगा कि इस समय वायरस बहुत है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक तो बारिश का मौसम है, हाँ वायरस आ जाएगा, और बारिश में अक्सर वायरस की दिक्कत बहुत दिक्कत होती है, वायरस आ जाएगा तो मुर्गा का जो वजन है वो रुक जाएगा जी, और मोर्टेलिटी भी होगी, मोर्टेलिटी भी होगा, वजन भी नहीं आएगा जी। हाँ अच्छा साबिर भाई एक चीज और जानना चाहेंगे, बड़ी अच्छी चीज है, जैसे अभी मौसम तो एकदम नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल है ना, हर तरफ बारिश हो रहा है, और दिन में भी सिचुएशन ये होता है कि कभी कभी पर्दे को बंद करना पड़ता है जी, जी। और जैसे अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो पर्दा है ये हाफ मतलब डाउन है जी, लेकिन बर्ड कहीं भी 1% ऐसा बर्ड नहीं है जो मुंह खोल के हाँफ रहा हो, है ना। तो ऐसे में क्या अभी ग्रोथ प्रमोटर्स का इस्तेमाल करना उचित रहेगा या नहीं?
जैसे ग्रोथ प्रमोटर का माने ये है सर कि जैसे आपका वजन जिस हिसाब से, जैसे जो कंपनी वाले हैं वो हिसाब से बुक चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। जी जी ठीक है बिल्कुल। जैसे आपके कुछ है 100-200 ग्राम ज्यादा फीड खाया है, वजन नहीं है जी, तो आप चला सकते हैं। मुझे चलाने के बाद में ये है कि जैसे नॉर्मल डोज दें। जी जी मतलब अपनी बुक को मेंटेन करने के लिए कर लें। बिल्कुल। सबसे बढ़िया एक इलाज मैं बता दे रहा हूँ जी, जो हम लोग घर पे बना लें जी, दूध जी, गुड़ जी, इस समय ठंडक में गुड़ रहेगा जी, और विकासूल जी कैप्सूल एक, यानी 1000 वर्ड है आपका जी, और 1500 ग्राम की एवरेज में है जी, तो 30 गोली लगेगा विकासूल का। बिल्कुल। 1 किलो दूध लगेगा जी, और 1 किलो चीनी जी, इसको मिला के ड्रिंकर डो दे। हाँ ड्रिंकर सादे पानी में जी, तो हर हफ्ते में 3 बार जी, फिर उसके बाद में बताएं कि कैसा वजन आ रहा है। जिप्रो मेन ये जो है ना जी जी, इससे मान के चलो 100% बेहतर वजन आएगा जी जी, और इसमें आपका कभी मॉडलिटी नहीं होगा न कोई दिक्कत आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ये इलाज आयुर्वेदिक इलाज है, आयुर्वेदिक है। तो ये चीज लगभग लगभग सारे फार्मर भाई चला सकते हैं विथ लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक, लीवर टॉनिक होना अनिवार्य है। अच्छा लीवर टॉनिक में आप क्या बताएंगे लोगों को? लीवर टॉनिक में हम बताएंगे इस समय के मौसम में टेक्साल जी, टेक्साल। टेक्साल में ये है सर कि उसमें किडनी प्रेशर भी है जी, और उसमें लीवर टॉनिक भी है, और उसमें मल्टी विटामिन भी है, बी कॉम्प्लेक्स भी, सारी दवा है, और उसमें कंसंट्रेट भी है जी, जो वजन को बहुत तेज ग्रोथ करता है। अच्छा। हाँ, और मॉडलिटी जो किडनी प्रेशर है वो मॉडलिटी को कम कर देता है, फीड जो पानी इंटेक है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी टेक्साल सबसे बेहतर है बारिश में, टेक्साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे साबिर भाई, और साबिर भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों साबिर भाई के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।